मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर खाई में गिर गया। टैंकर खाई में गिरते ही उसमें भरे केमिकल में भीषण आग लग गई और खाई से काला धुआं उठने लगा। आग इतनी भयंकर थी कि जिधर भी केमिकल बहकर गया वहां आग लग गई। हादसे में टैंकर के ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में लगातार तीसरे दिन मार्च किए। सदन में पूरे दमखम से इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया था और अब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार तीसरे दिन केंद्र सरकार के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर उतरी और पैदल मार्च किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। लगातार तीसरे दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी हैं। CAA और NRC के खिलाफ इस आंदोलन के परचम को बुलंद रखते हुए ममता बनर्जी आज हावड़ा से लेकर के और कोलकाता के धर्मतल्ला तक ये पदयात्रा निकाल रही हैं। पैदल मार्च से पहले ममता बनर्जी ने एक रैली की जिसमें बड़ी तादाद में लोग पार्टी के झंडे और बैनर लेकर शामिल हुए। लोगों की भारी भीड़ देखकर ममता भी बेहद उत्साहित हो गईं और नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में जमकर नारे लगाए। बीजेपी लज्जा 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 के NRC छी 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 के NRC छी 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 छी। पिछले दो दिन से ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उनका आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC के जरिए सरकार बंगाल में सियासी फायदा उठाना चाहती है। वो पहले भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोल चुकी हैं और संसद से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद उनके तेवर और तीखे हो गए हैं। इतना अंडर एस्टिमेट मत करो भैया, हम भी छोटा एक चूहा का माफिक है। आप रोक लेके खड़ा होगा, हम कुटुस कुटुस करके इसको काट देगा। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी के विरोध को गलत ठहराया और उन्हें एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां याद दिला दी। व्यक्तिगत एज अ तृणमूल लीडर इसका विपक्ष में वो आंदोलन कर सकता है, मगर एज चीफ मिनिस्टर उनको नहीं करना है। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 67 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। इस बार 67 नहीं आ रही? नहीं, 67 आएंगी। हम 67 से अब हमने जितनी पिछली बार मिली हम उससे ज्यादा की कोशिश करेंगे। बीजेपी को पिछली बार जितनी मिली वो उससे थोड़ी ज्यादा की कोशिश करेंगे। तो वो उनका नारा होगा अब की बार 3 पार, हमारा ना होगा अब की बार 67 पार। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किए जाने की वजह से वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने ये जानकारी दी। जनरल बिपिन रावत ने बताया कि LOC पर पाकिस्तान लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहा है। सेना प्रमुख के मुताबिक पाकिस्तान के इस रवैये की वजह से LOC पर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि भारतीय सेना पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2 दिन पहले ही पुंछ के सुंदरबनी इलाके में पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया था। बताया गया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सीमा पर गोलाबारी कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में पिछले 5 साल के समय प्रदूषण का स्तर घटा है और इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ भी की। 5 साल पहले 2015 में दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स मार्च से लेके अक्टूबर तक 155 था, अब ये 115 हो गया एवरेज। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैली और उसने कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग को बुझाने के लिए आग लगातार दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंची। एक हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी दमकल विभाग आग पर पूरी तरह काबू नहीं कर पाया। बताया गया कि आग रात के वक्त करीब 10 बजे लगी और उसकी लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। जिस जगह आग लगी उसके पास ही रिहायशी इलाका भी है। इस इलाके में रहने वाले लोगों को अपनी घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने के निर्देश दिए गए ताकि आग का धुआं उनके घर में न घुस पाए। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए देश भर के लोगों से आर्थिक मदद करने की अपील की। हर भारतवासी का आह्वान करेंगे कि राम मंदिर के लिए वह 11-11 रुपए
दान देकर के इस भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे, इसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। इस सरकार का पैसा नहीं, जन सहभागिता से एक कार्य होगा। न्यूज 18 की चौपाल में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने माना कि महाराष्ट्र में शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद नहीं देकर पार्टी ने गलती की। आप क्योंकि इतनी हिंदू की बात कर रहे हैं, अब बाला साहब ठाकरे की पार्टी आप लोगों को छोड़ के चली गई। बड़े दुर्भाग्य है, हमारी गलती है। आपकी गलती है, आप मानते हैं? क्या गलती हुई? क्या गलती हुई आप लोगों की? हमने चीफ मिनिस्टर उनको दे देना चाहिए था, आप कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता कानून का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए उन पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया। देश के अंदर गुमराह करते हुए अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे, आज उसी तर्ज पर ये लोग आज भी गुमराह करके जगह जगह हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। देश के अंदर हो रहे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में जो चेहरे शामिल हो रहे हैं, उन चेहरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति इन लोगों के मन में क्या भाव। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, क्योंकि अदालत ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 59 याचिकाएं दाखिल की गई, जिन पर सुनवाई हुई, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया है। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब जरूर मांगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को सुनवाई करेगी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दाखिल की थी, जिसके बाद कांग्रेस समेत MIM, RJD और TMC ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यूपी सरकार ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे लेखपालों पर बड़ी कार्रवाई की है। यूपी में 100 से ज्यादा लेखपालों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 300 से ज्यादा लेखपालों को ब्रेक सर्विस का नोटिस जारी किया गया है। ये कार्रवाई राज्य के अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों ने लेखपालों के खिलाफ की है। हालांकि कड़ी कार्रवाई के बाद भी आंदोलनकारी लेखपाल अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और 12 जनवरी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। गुजरात के वडोदरा में मकान के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इन महिलाओं की मांग है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कल्याणपुर इलाके में ही मकान दिए जाएं, जबकि सरकार उन्हें दूसरी जगह जमीन देने के लिए तैयार है। इससे गुस्साई एक महिला विरोध प्रदर्शन के दौरान खुदकुशी करने की धमकी देकर वहां से भागने लगी, जिसे रोकने के लिए उसके पीछे सादे कपड़ों में एक महिला पुलिसकर्मी भागी। बीच रास्ते में एक जगह इस महिला को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने हाथापाई शुरू कर दी और वहां से फिर भाग गई, जिसके बाद उसके पीछे कुछ और लोग भी दौड़े। इस दौरान ये महिला बीच रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने वहां प्रदर्शन कर रही दूसरी महिलाओं को जबरन गाड़ी में बिठाया और दूसरी जगह ले गए। निर्भया के दोषियों की फांसी पर 7 जनवरी तक सुनवाई टलने के बाद निर्भया के माता पिता ने निराशा जाहिर की। कोर्ट पर मामले को लंबा खींचने का आरोप लगाया। कोर्ट भी उनका साथ दे रहा है, कोर्ट भी तारीख पे तारीख दे रहा है, उनको मौका दे रहा है, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। कोर्ट ने हमारे वकील को मौका ही नहीं दिया, सुनने का सारा थोड़ा डिसीजन नहीं, वकील को सुना मौका दिया और फिर तारीख दे दिया। अब मुझे नहीं उम्मीद नहीं है कि नहीं 7 तारीख को हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि उनका राइट है, हमारा कुछ भी नहीं है। 7 जनवरी को सुनवाई है और हम कोर्ट से फिर भी यही आर्गुमेंट करेंगे कि कोर्ट अपनी ड्यूटी को निभाए। झारखंड के पाकुड़ में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और उन्हें बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने की चुनौती दी। आपकी तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती हूँ, मोदी जी संथाल परगना कानून के बारे में बोलिए, झारखंड में भूख से मौतों पर बोलिए, झारखंड में बेरोजगारी पर बोलिए, महिलाओं के बलात्कार पर बोलिए, चौपट व्यापार पर बोलिए, भ्रष्टाचार पर बोलिए। हरियाणा के यमुना नगर में एक चोर को घर में चोरी करना महंगा पड़ गया। दावा किया गया कि 4 चोर एक घर में चोरी कर रहे थे, उसी वक्त आसपास के लोगों ने देखा तो 3 चोर तो वहां से फरार हो गए, लेकिन एक वहां के लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा चोर पर जमकर फूटा। उन्होंने पकड़े गए चोर की जमकर धुनाई की।
उसके बाद जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए उन पर स्कूलों में कमरे बनवाने के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया। एमसीडी 9.5 लाख में आरसीसी के छत वाले कमरे बनाती है और ये 30 लाख रुपए में कड़ी टुकड़ी का छत बना रहे हैं, जिसपे मैंने घोटाले का आरोप लगाया है, केस किया है। और आपको इस शो में कह के जा रहा हूँ, मनीष सिसोदिया को जेल जाने से अगले 2-3 साल में कोई नहीं रोक सकता, ऐसा भ्रष्टाचार किया है। अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर खाई में गिर गया। टैंकर खाई में गिरते ही उसमें भरे केमिकल में भीषण आग लग गई। खाई से काला धुआं उठने लगा। आग इतनी भयंकर थी कि जिधर भी केमिकल बहकर गया वहां आग लग गई। हादसे में टैंकर के ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप है। अगले महीने ये प्रस्ताव सीनेट में जाएगा। हालांकि सीनेट में ट्रंप के पास बहुमत है और वहां इस प्रस्ताव का पास होना काफी मुश्किल है। So I said in my letter to Pelosi, I love that. You know, usually there's one, two. The Republicans, look, I've said it for a long time. The Democrats are lousy politicians. They really, they've got horrible policies, open borders, crime is fine, drugs pouring through. I mean, think of what they do. Sanctuary cities, they love sanctuary cities, you know. They're lousy politicians. मुंबई एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरा टैंकर खाई में गिर गया और उसके बाद गिरते ही टैंकर में भीषण आग लग गई। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता कानून की तारीफ करते हुए कहा कि मुस्लिम देशों के मुसलमान धर्म के आधार पर पीड़ित होकर देश नहीं छोड़ते। देश में हमें आस्था है, इसलिए हमें सरकार से पिटना एक अलग चीज होती है, उच्चतम न्यायालय में हारना अलग चीज होती है। हमें बड़ा दुख है कि हम महाराष्ट्र में उच्चतम न्यायालय में हार गए, पिट के आए। हमें बड़ा दुख है कि हम कर्नाटक में पिट के आए उच्चतम न्यायालय से। हमें बड़ा दुख है कि ऐसे बहुत सारी जगहों से हम पिट के आए। अब पिट के कौन आया और पिटना होता है क्या न्यायपालिका से, ये मेरे मित्र उत्तर देंगे। जी ये सिर्फ यानी इसको कहना कि हिंदुओं के लिए किया ऐसा नहीं है। हिंदू भी है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है और क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है। तो दो हिंदू नहीं है, दो 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 कैटेगरी हिंदू में नहीं है, फिर भी वो इसमें इंक्लूडेड है। मुसलमान नहीं है। वोटों के लिए हम तब करेंगे जब हम सिर्फ हिंदुओं के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। तो हम सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं, हमने हिंदुओं के लिए नहीं किया। ये लिस्ट पहले से तैयार हुआ था और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 2016 में पेश भी किया था। इन्होंने भी देखा, इन्होंने इस लिस्ट का विरोध उस समय नहीं किया, पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो वहाँ धर्म के आधार पर जिनके साथ यातनाएं होती हैं और वो छोड़कर आते हैं, वो इस देश नहीं आते हैं। तारिक फतेह आए थे, तारिक फतेह ने कहा कि मैं तो कनाडा का सिटीजन बनूंगा। तस्लीमा आई थी, उसको भी हमने कहा यहाँ रह सकते हो, उन्होंने कहा नहीं, हम स्वीडन से सिटीजनशिप लेंगे। क्योंकि वहाँ से जो मुसलमान आता है राजनीतिक कारण से, धर्म के कारण से नहीं, वो भी यहाँ रहने नहीं चाहता है। इस लिस्ट में हमें ऐसे कोई हमारे देश में नहीं मिले जो मुसलमान धर्म के आधार पर आया था। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए देश भर के लोगों से आर्थिक मदद करने की अपील। हर भारतवासी का आह्वान करेंगे कि राम मंदिर के लिए वह 11-11 रुपए दान देकर के इस भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। इसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा, इस सरकार का पैसा नहीं, जन सहभागिता से एक कार्य होगा। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर देश के हर अहम मुद्दे को टालने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया।
इतने वर्षों तक 70 वर्ष हिंदुस्तान के हो गए, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की सड़कों पर यह डिबेट चलता रहा कि घुसपैठिए हमारे देश में आ गए। बहुत सारे घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं। कुछ लोगों का आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और आंकड़ा दिया था कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने, कुछ ने कहा था 2 करोड़ है, किसी ने कहा था 4 करोड़ है, किसी ने कहा संख्या पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980 से हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम सरकार बनाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम घुसपैठियों को क्या करना है उसकी चिंता करेंगे, घुसपैठियों को अलग करेंगे। आज हम सत्ता में आए, CAA का NRC से कोई लेना देना नहीं है, मगर आप अगर घुसपैठिए के बारे में पूछ रहे हैं तो हम स्पष्टतः कह दें ये मैंडेट हमें घुसपैठियों के लिए निर्णय लेने के लिए मिला है। जो रेफ्यूजीज बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं उनके अधिकार के लिए मिला है, हम जिसके लिए आए थे वो काम करेंगे। मैं किशोर जी आपको एक बात पूछता हूँ, हर कोई चाहता है, जितनी राजनीतिक पार्टीज हैं ये सब चाहते हैं कि समुद्र मंथन हो और उसमें से अमृत निकले, सब अमृत पी जाएं। ये विषपान कौन करेगा? जितनी गड़बड़ियां हैं देश की उसको ठीक कौन करेगा? अगर इतने बड़े ऐतिहासिक मैंडेट के साथ हम अभी ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हलाहल कौन पिएगा? ये विष कौन पिएगा देश का? ये लोग बार बार कहते हैं अभी क्यों सिलेक्ट कमेटी में भेज दो, अभी क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दो, बाद में ले आना। कब तक हम मंदिर के विषय को टालते रहें? कब तक अनुच्छेद 370 को टालते रहें? कब तक सिटीजनशिप के विषय को टालते रहें? और क्यों टालते रहें? इसका हल कब होगा? कि कौन जवाब देगा इसका? चलो मान लिया उनका अंबेडकर जी से भारतीय जनता पार्टी घृणा करती है, अंबेडकर जी से हेट करती है, उन्होंने संविधान को फेंक दिया, मान लिया ये बात समझ में आई। फिर बोले साहब हम 3 देशों से फलाना 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 धर्म के लोगों को हम भारत में लाएंगे और उसका कारण है धार्मिक उत्पीड़न। अब मुझे ये बताइए किशोर जी, धार्मिक उत्पीड़न जो हुआ, चाहे धार्मिक आधार पर उन पर ज्यादतियाँ हुई, उसको कैसे प्रधानमंत्री जी, क्या वस्त्रोलॉजी, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया एक डिग्री ली है प्रधानमंत्री जी ने, उसका नाम है वस्त्रोलॉजी, जिसमें वो वस्त्र देख के आदमी का चाल चरित्र चेहरा बता देते हैं, तो उस वस्त्रोलॉजी से बताएंगे प्राइम मिनिस्टर कि इस पे धार्मिक उत्पीड़न हुआ है कि नहीं, इस आदमी पे कैसे बताएंगे वो उत्पीड़न हुआ है कि नहीं? संविधान की बखे, मेरे को अब एक पॉइंट और बोलने दी, धार्मिक उसके ऊपर अत्याचार हुआ, क्या उसकी वेशभूषा देख के बताएंगे? क्या संविधान को फेंक के बताएंगे? योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता कानून का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए उन पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया। देश के अंदर गुमराह करते हुए अपना वोट बैंक बनाना चाहते थे, आज उसी तर्ज पर ये लोग आज भी गुमराह करके जगह जगह हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। देश के अंदर हो रहे प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में जो चेहरे शामिल हो रहे हैं, उन चेहरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति इन लोगों के मन में क्या भाव है। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने नागरिकता कानून और NRC को 2 लोगों की सनक बताया, जबकि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर संसद में अलग और सड़क पर अलग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इन्होंने CAB अभी आनंद फानन में इसलिए किया, आप असम से शुरू होइए, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होइए, ये सिटीजनशिप लेके ही इसलिए आ रहे हैं कि NRC में तकरीबन 19 लाख लोग निकले, BBC की रिपोर्ट है कि 14 लाख उसमें हिंदू है जी। एक तो असम, ऊपर से आप असम आपका NRC से नहीं संभला, आप 27 प्रदेशों में कहते हैं, आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि कवर फायर दे रहे हैं NRC को। मेरी खत्म नहीं हुई बात जी जी, कि NRC लेकर आएंगे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जिसको 2 व्यक्ति, सत्ता तो BJP की है लेकिन 2 व्यक्तियों की सनक से आप पूरे देश को, बड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, चपेट में लेकर जा रहे हैं। बड़ा शब्द मैं नहीं कह रही हूँ, आपने बोला सनक, पूरे युवा, बिल्कुल सनक है, पूरे युवा आज देश में सड़कों पे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि CAB क्यों आ रही है, मुद्दा ये है कि जो NRC अब इसके बाद लाने जा रहे हैं और जिसकी शय में जो आप करने जा रहे हैं, उसमें क्या आप लोग कह रहे हैं भाई
हमें रोजगार चाहिए, नोटबंदी से 155 लोग मर गए, देश मंदी पे है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एनआरसी और सीएबी अभी महत्वपूर्ण था। आपने ये कहा कि चूंकि एनआरसी में हिंदू ज्यादा आ गए इसलिए हम ये बिल लेके आए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए बिल हम पहली बार लेके आए 2015 में लेके आए थे, इसीलिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है, और उस समय राज्यसभा में आपका बहुमत था, आपने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। फिर जनवरी 2019 में आया वो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, तो हम तो ये पहले से लाए, तब तक तो एनआरसी की रिपोर्ट आई नहीं थी, तो कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, कौन व्यक्ति क्या चरित्र दिखा रहा है, 370 पे कांग्रेस संसद में तो वोट करेगी पक्ष में, और सड़क पे बवाल, ट्रिपल तलाक पे संसद में वोट करेंगे सड़क पे बवाल, और मैंने अभी आपसे बताया सीएबी में लिख के इनके मुख्यमंत्री देंगे असम के मुख्यमंत्री, और इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नहीं दिए, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एग्जीक्यूटिव बॉडी में अपना रिजोल्यूशन भी पास किया है, और उसमें हिंदू बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन शब्द लिखा है कि इनको सिटीजनशिप देनी चाहिए, और उसके बाद सड़क के ऊपर बवाल। तो दक्षिणी चीन के एक शहर में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि सामने से आ रहे ट्रक से बचने की कोशिश में कार ड्राइवर ने गाड़ी को बाइक सवार की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद बाइक की कार से जोरदार टक्कर हो गई। इससे पहले वो कार लगभग खाली पड़ी सड़क पर गुजरती दिखी, लेकिन एक ट्रक के अचानक सामने आने के बाद ड्राइवर ने कार को एक तरफ मोड़ दिया, लेकिन तभी उसकी उल्टी दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार हवा में उछलते हुए कार की छत पर ही गिर गया। घायल बाइक सवार काफी देर तक छत पर ही पड़ा रहा। इस दौरान उसने उठने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ पाया, जिसके बाद कार में सवार दोनों लोग बाहर निकले और आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगने लगे। हादसे के बाद वहां काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में अभिनेता आयुष्मान खुराना ने सलमान खान को फिल्मों के हिट होने की गारंटी बताते हुए उन्हें किसी भी कहानी से ऊपर बताया। कितना बड़ा स्टार बनना चाहते हैं? ये मैंने कभी सोचा नहीं है सच में कि कितना बड़ा स्टार बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे को कहानी आकर्षित करती है। कहानी बड़ी होती है उसी से आप बड़े होते हैं। उल्टा जो होता है वो सिर्फ सलमान खान सर के साथ होता है कि वो कोई भी कहानी में आए वो पिक्चर सुपरहिट हो सकती है। ऐसा आप नहीं चाहते? ऐसा पर मुझे लगता है मैं जब कहानी को अपने आगे रखता हूँ तो मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊँगा। ही इज़ ब्लेस्ड लाइक दैट, ही इज द ओनली सुपरस्टार राइट नाउ जो कहानी के ऊपर है। आयुष्मान ने शाहरुख खान की एक्टिंग की भी तारीफ की और बताया कि वो उन्हीं की वजह से फिल्मों में आए। शाहरुख खान यूथ आइकॉन, जर्नलिज्म जो है वो शाहरुख खान सर की वजह से की है, मास कम्युनिकेशन, क्योंकि वो मुझे पता लगा था वो भी मास कॉम कर चुके हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर हैं। मेरे पापा ने मुझे बोला था कि देर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन मुंबई, देर इज ओनली डर्थ ऑफ इंटेलिजेंट टैलेंट। तो मैं उन्होंने मुझे फोर्स किया कि अटेंडेंस मेरी पूरी हो। कॉलेज में मैंने 3 साल टॉप किया ओनली बिकॉज ऑफ शाहरुख खान सर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक जेपी इंफ्राटेक के सभी अधूरे प्रोजेक्ट अब NBCC पूरे करेगी। फ्लैट खरीदारों और बैंकों की एक बैठक में वोटिंग के जरिए इस फैसले पर मोहर लगाई गई। जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट कौन पूरा करेगा, इस मुद्दे पर बीते 1.5 साल से माथापच्ची चल रही थी। अधूरे फ्लैट बनवाने के सरकारी कंपनी NBCC और सुरक्षा रियलिटी ने दावेदारी पेश की थी। इस मुद्दे पर फैसले के लिए खरीदारों और बैंकों के अफसरों ने वोटिंग की, जिसमें NBCC के पक्ष में 11,699 वोट पड़े, जबकि सुरक्षा रियलिटी को सिर्फ 448 वोट ही मिल पाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक के करीब 22,000 लोगों के फ्लैट फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद वहां जा रहे बीजेपी सांसदों को पुलिस ने रोक दिया, जिसमें वो भड़क गए। 2 दिन पहले नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों ने रेलवे स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की थी और वहां आग लगा दी थी, जिसे देखने के लिए कूच बिहार से बीजेपी सांसद निशित प्रमाणिक और मालदा के सांसद खगेन मुर्मू वहां जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने दोनों सांसदों और साथ जा रहे उनके कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिससे नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जवाबदारी
इस दौरान पुलिस के अधिकारी सांसद निशित प्रमाणिक और खगेन मुर्मू को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद भी दोनों सांसद हिंसा वाली जगह पर जाने के लिए अड़े रहे। यही नहीं, विरोध जताने के लिए दोनों सांसद अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने दोनों सांसद निशित प्रमाणिक और खगेन मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गाड़ी में डालकर वहां से ले जाने लगी, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों सांसदों को छोड़ दिया। इसके बाद बीजेपी सांसद निशित प्रमाणिक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। सारा पश्चिम बंग जुड़े जो आगुन जल से आज के सम्पूर्ण भाव माननीय मुख्यमंत्री एवं तार जो सांगो पांगो एवं तार जो दल। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने जामिया हिंसा के मामले में लोगों के निशाने पर आई दिल्ली पुलिस के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए डीयू के ये छात्र कैंपस के अंदर लॉ सेंटर के सामने जुटे, वहां पूरे जोर से दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। जामिया हिंसा के बाद से ही दिल्ली पुलिस कुछ राजनीतिक दलों के निशाने पर है, लेकिन इन छात्रों ने दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाकर उनकी कार्रवाई को अपना पूरा समर्थन दिया। छात्रों के समर्थन से वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी आ गई। मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में दावा किया कि वो दूसरे नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करते। मैं केवल पिक्चर नहीं दिखाता, मैं केवल सपने नहीं दिखाता, दिखाए हुए सपने को पूरे करके दिखाता हूँ, वही सपनों की चर्चा करता हूँ। अच्छा एक बात बता दीजिए, कौन सपने दिखाता है? कौन सपने दिखाता है? आपने कहा मैं नहीं सपने दिखाता, तो कोई सपने दिखाता है क्या? देखो सपने दिखाना होता है, पर दिखाए हुए सपने अगर हम पूरे नहीं करते हैं तो फिर लोगों में हमारे प्रति नाराजगी होती है। न्यूज 18 की चौपाल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून को खतरनाक बताया। उन्होंने सभी धर्मों की घुसपैठी को देश से बाहर निकलने की वकालत भी की। घुसपैठी कैसे बाहर निकाले जाए फिर? घुसपैठियों का क्या किया जाए? उनको रहने दिया जाए? नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो क्यों रहने दिया जाए? वही तो वो कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं। किशोर जी, मेरा ये कहना है कि ये कानून खतरनाक कानून है। इस कानून से देश का कोई भला नहीं होने वाला। इस वक्त देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए। नितिन गडकरी ने ये भी दावा किया कि वो ना तो कभी विचारधारा से समझौता करेंगे और ना ही कभी कांग्रेस में जाएंगे। इस देश में विचार भिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। ये बात मैं एक बार कुएं में कूदूंगा पर मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माय आइडियोलॉजी, माय कन्विक्शन, और इसलिए जो भी पार्टी हो, जो भी विचारधारा हो, उससे ईमानदारी से चिपक के रहना, ये लोकतंत्र में इसका महत्व है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार माना कि उस अमन चैन को बिगाड़ने के लिए अब तो हमको इसमें छुपाने की भी आवश्यकता नहीं है कि कौन लोग अमन चैन को बिगाड़ रहे हैं। नामजद FIR हो चुकी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की, नामजद रिपोर्ट हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में कन्हैया कुमार ने नागरिकता कानून को देश की जनता के खिलाफ लिया गया फैसला बताया। वहीं बीजेपी नेता राजीव पांडे ने इस फैसले को देश के हित में बताया। पार्लियामेंट में खड़ा होकर के हमारे देश के नेता झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सही बात है, और अपने हर काम को वो संख्या बल के आधार पे सही साबित करना चाहते हैं। राम जी का ये नाम ले रहे थे, राम जी को एक सर था, रावण को 10 सिर था, तो क्या रावण सही हो जाएगा और राम गलत हो जाएंगे? संख्या के आधार पे आप हर चीज को सही नहीं साबित कर सकते, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कल को मान लीजिए अगर हम ये ट्रेंड सेट कर देते हैं कि देश गीता भट्ट जी का स्वागत करेंगे। जी आपका स्वागत है। देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ इस देश की सरकार भी नहीं जा सकती है, मेजोरिटी की सरकार भी नहीं जा सकती है। और मूल भावना और कोर्ट और में मैं मूल भावना की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 303 सीट आया है, 304 सीट ले आइए,
तो कल को मान लीजिए कोई पार्टी 304 सीट ले आए और कहे अमित शाह को 5 साल पेड़ पे उल्टा लटकना पड़ेगा, तो आप ये बात मानेंगे? संख्या के आधार पर हर चीज को सही नहीं साबित किया जा सकता है। नेम ड्रॉपिंग से कुछ हो रहे होगा नहीं, क्योंकि हम एक कानून की बात कर रहे हैं। अगर कानून में कुछ असंवैधानिक है तो आपके कहने से नहीं होगा। चार लोग डफली बजा करके देश का भाग्य और भविष्य तय नहीं कर सकते, देश की जनता उसके लिए है। हम देश की जनता के बीच में जाते हैं। आप कह रहे 300 सीट आई, आप भी तो चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव लड़े। जनता जो करेगी वो तय होगा, वो आपके कहने से, क्योंकि उसके पीछे कारण है। हांगकांग में क्या हुआ? हांगकांग में क्या हुआ? प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में मैंने बात नहीं की। देखिए, जनता के बीच में हम मैनिफेस्टो लेकर के जाते हैं, हम कहते हैं हम एनआरसी लाएंगे और हम लाएंगे, हम यूसीसी लाएंगे, हम लाएंगे, हम जो जनता के बीच में, हमने जनता से 15 लाख। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ से किसी तरह उन्हें बचाया। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोकने की कोशिश की गई, जिसके कई वीडियो उनकी तरफ से जारी किए गए। इनमें एक वीडियो में रास्ता बंद करने के मकसद से जो रिक्शे बीच सड़क पर खड़े किए गए थे, उन्हें कैलाश विजयवर्गीय ने हटाने की कोशिश की। उनके ऐसा करने पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। भीड़ ने कैलाश विजयवर्गीय को वहां से नहीं आगे जाने दिया, जिससे तनाव काफी बढ़ गया। वीडियो में साफ दिखा कि सुरक्षा बल और पुलिस की वजह से ही कैलाश विजयवर्गीय सुरक्षित वहां से निकल सके, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के डर से प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने एसपी और डीजी पर भी फोन नहीं उठाने का इल्जाम लगाया। विजयवर्गीय मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों से मिलने के लिए वहां पहुंचने वाले थे। इसका ऐलान उन्होंने एक दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन बाद में जब वो मुर्शिदाबाद के लिए निकले तो कई जगहों पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोकने के लिए सड़कों पर जानबूझकर जाम लगवाया गया, जिसके उन्होंने कुछ वीडियो भी ट्विटर पर डाले। इन वीडियो में ट्रकों की लंबी कतार नजर आई, एक के पीछे एक कई ट्रक फंसे दिखे। इन वीडियो के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने से रोकने के लिए जाम साजिश के तहत लगवाया गया। इस पूरे मुद्दे पर राज्यपाल का बयान भी उनके समर्थन में ही आया। लाइक समवन हैज रिपोर्टेड इन मालदा मुर्शिदाबाद कैलाश नाथ विजयवर्गीय जी, आई वुड से द इंसिडेंट्स आर बाउंड टू बी सीरियस इफ इट हैपेंस विद अ सीनियर लीडर लाइक हिम। कैलाश विजयवर्गीय ने भीड़ के हमले पर ममता सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो किसी भी सूरत में मुर्शिदाबाद पहुँच कर रहेंगे। दुनिया भर में ममता जी प्रजातंत्र चिल्लाती है, पर उनके प्रदेश में प्रजातंत्र है क्या? चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में एक मकान के अंदर हुई फायरिंग में 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया गया कि इस मकान में 3 छात्र 2 दिन पहले ही किराए पर रहने आए थे, जिनको 4 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सबूत जुटाने लगी। आप देख सकते हैं इसी रूम में गोलियां चली अचानक, जो यहाँ पर अननोन 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, इनके घर में घुसकर गोलियां चलाकर यहाँ से फरार हो गए। पुलिस वालों ने आशंका जताई कि पुरानी रंजिश की वजह से दोनों लड़कों की हत्या की गई। 4 आइडेंटिफाइड लोग आए थे, उन लोगों ने फायरिंग करी है, उसमें से जो 2 लड़के थे विनीत और अजय, उनकी डेथ हो चुकी है। पुलिस वालों ने घटना के वक्त मौजूद छात्र से घटना के बारे में पूछताछ कर फायरिंग करने वालों की तलाश तेज कर दी। कई देशों के विरोध के बाद चीन को कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा करवाने से जुड़ा अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्य खुलकर भारत के साथ आ गए। इन सभी देशों ने भारत का समर्थन करते हुए कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया, जिसके बाद चीन को कश्मीर पर चर्चा करवाने का अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। UNSC में चीन को सबसे बड़ा झटका ब्रिटेन ने दिया, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटेन पहली बार खुलकर भारत के साथ आया। वहीं सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर पर शामिल किए गए इंडोनेशिया ने भी भारत का साथ दिया। इंडोनेशिया ने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए चीन के प्रस्ताव का विरोध किया। कश्मीर के हालात पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंद कमरे में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अब उसने वापस ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने नागरिकता कानून के विरोध में धरना दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में राजभवन के सामने नागरिकता कानून के खिलाफ धरना दिया और कानून को वापस लेने की मांग की।
यूपी के कानपुर में कुछ छात्राओं ने गंगा किनारे रेत पर महिला अपराधों से जुड़ी आकृतियां बनाकर दोषियों को जल्द और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। नागरिकता कानून के देश में चौतरफा विरोध के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और सार्वजनिक जगहों की तलाशी का अभियान चलाया। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह आज श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। निर्भया के दोषी पवन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर दावा किया है कि दिसंबर 2012 में घटना के वक्त वो नाबालिग था और मेडिकल परीक्षण नहीं करवाए जाने की वजह से उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यूपी के गाजीपुर में बुधवार को 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जिसके बाद लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही कैद रहे। हांगकांग में एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे बस में सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के कानपुर देहात में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर शिवसेना पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इसका सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां मंगलवार को सबसे ठंडा दिन रहा और वहां का तापमान -16.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा, क्योंकि वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई, पहाड़ और पेड़ों के पत्ते तक बर्फ में ठिठुरे नजर आए। वहीं सड़कें बर्फ में कहीं गुम हो गईं और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। जो है बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे काम करने में भी, बस थोड़ा आग उग जला के हम अपना गुजारा करते हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे सर। कुछ ऐसे ही हालात शिमला में भी बन गए। शहर का नजारा बिल्कुल बदल गया, वहाँ की सड़कें, मकान और पेड़ पौधे सब बर्फ की चादर में ढक गए। ऐसे में लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया और हाथ तापते दिखाई दिए। दिक्कत है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जम चुका है, उसको हमारे पाइप पे गर्म करने के लिए आग जलानी पड़ती है। मनाली समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं रही। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर गुजरने वाले दिन के साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग ठंड में ठिठुर गए हैं। यूपी के प्रयागराज में भी लोग कड़ाके की ठंड से घर में दुबके रहे और जिन लोगों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ा वो चाय की चुस्कियों में गर्माहट ढूंढते नजर आए। अरे बहुत तगड़ा गुड़ पड़ा है, ठंडक पड़ी, जैसे चाय पी रहे हम लोग गर्म होने के लिए, इतना ठंडक पड़ रही है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ठंड का मजा लेते और सेल्फी खींचते भी दिखे। यूपी की तरह ही पंजाब में भी ठंड का सितम जारी है। वहां के लुधियाना शहर में सुबह सुबह घना कोहरा नजर आया और हार्ड कपा देने वाली ठंड में बच्चे स्कूल जाते नजर आए, और जिन लोगों को सुबह सुबह काम पर नहीं जाना था उन्होंने आग सेक कर और चाय पीकर सर्दी दूर भगाई। इतनी ठंड है कि बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बर्फीली हवाएं चली और तापमान गिरता चला गया। मौसम पर नजर रखने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत में पारा और गिरेगा, जिसके लिए पहाड़ों पर हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में हुई बारिश भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलने लगी और रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। ठंड का आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया और फिलहाल दिल्ली का तापमान कई पहाड़ी इलाकों से भी कम हो गया। इतना ही नहीं, मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक, यानी कि लगभग पूरे उत्तर भारत में सर्दी अभी और सितम ढाएगी और आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से धूप धरती तक नहीं पहुंच पाएगी, और अगर कहीं धूप हुई भी तो वो हल्की धूप होगी जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिसकी वजह से हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ सकती है। सीरिया के इदलिब में विद्रोहियों के ठिकानों पर हुई हवाई हमले में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सीरिया और रूस की सेना के इन हवाई हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया, जहां उत्तरी इदलिब के 2 अलग-अलग ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। बमबारी के बाद पूरा इलाका धुएं और धूल के गुब्बार से ढक गया। घनी आबादी वाले इलाके में भी हमले का दावा किया गया।
जिसके बाद वहां से धुआं निकलता दिखा। धमाके की चपेट में आने वाले मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कई लोग मलबे में ही दब गए। हमले के फौरन बाद राहत बचाव में जुटी संस्थाओं के लोग भी मदद के लिए पहुंचे और तबाह हो चुकी इमारतों में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। ज्यादातर लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हमले में एक ही परिवार के सभी 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लड़कियों से छेड़खानी की कोशिश कर रहे कुछ लड़कों को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। बताया गया कि ये लड़के स्कूल आने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी की कोशिश करते थे, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके के कुछ लोगों ने स्कूटर से लड़कियों का पीछा कर रहे लड़कों को पकड़ लिया और पीटने लगे। इससे पहले एक स्कूटर पर सवार ये 3 लड़के स्कूल से लौट रही कुछ लड़कियों का पीछा करते दिखे, जिसके बाद आसपास के कुछ लोगों ने इन तीनों लड़कों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 2 लड़के वहां से भाग गए, जबकि एक लड़के को लोगों ने पकड़ लिया। मैं चुपचाप से चल रही थी अपने बहन भाई के साथ, मैं डेली जाती हूं और आज एकदम से मेरे को परेशान करने लगे, मुझे पीछे पड़ गए। काफी देर पीटने के बाद लोगों ने आरोपी लड़के को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने भरोसा दिया कि घटना में शामिल 2 और लड़कों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक जो संदिग्ध आरोपी है वो अरेस्ट हुआ था और शेष आरोपी नहीं मिले हैं, जिनकी तलाश की गई तो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एमपी के रतराल में कुछ लोगों ने आपसी विवाद में एक लड़के को बुरी तरह पीट दिया। बताया गया कि इस लड़के का मारपीट करने वालों में एक व्यक्ति से किसी बात पर पुराना विवाद था, जो बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और फिर लड़के की लाठियों और हॉकी से खूब पिटाई की। दुकान में मौजूद ये लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आरोपी वहां पहुंचे थे कि वो जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गया, जिसका फायदा उन आरोपियों ने उठाया और उसे पीटते रहे, जबकि वो उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा। मारपीट के दौरान कुछ आरोपियों ने लड़के पर कुर्सियां भी उठाकर फेंकी, जबकि कुछ आरोपी दुकान में तोड़फोड़ करने लगे। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुरानी रंजिश है इनकी,